हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि हम घर पे बैठकर एक वॉल डेकोर कैसे बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे दो कार्डबोर्ड्स एक ही साइज़ के, एक ब्लैक चार्ट पेपर आप देख सकते हैं, एक फ्लोसिन शीट पिंक कलर की और एक फेविकोल। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड, एक ए फोर साइज शीट के मैं कर दूंगी मार्क जिस हिसाब से मैंने उसको कट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं लाइन जो है ड्रॉ कर रही हूँ। कुछ इस तरह से हमने इसको चारों साइड से जो है फोल्ड कट कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड्स ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो शीट है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ग्लू की हेल्प से अपने कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। मैंने ग्लू लगा दिया है और अब मैं एक छोटे से कार्डबोर्ड की पीस की हेल्प से मैं इसको स्मज कर दूंगी कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं, ताकि जो हमारी शीट है उसको नीट लुक आए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी शीट है उसको पेस्ट कर दिया इसके ऊपर। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम लेंगे अपना सेकेंड कार्डबोर्ड अपने बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने ले लिया है स्केल और पेन, आप चाहे तो स्केल और पेंसिल भी ले सकते हैं। तो मैंने जो है 1.5 की मार्किंग से लाइंस पहले की ड्रॉ कर ली थी और अब मैं इसको कटर की हेल्प से कट कर दूँगी कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं मेरा जो स्ट्रिप्स हैं वो लगभग कट हो चुकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी सभी स्ट्रिप्स हैं उनको जो है कट कर दिया है कुछ इस तरह से दिखे। अब मैं लूँगी एक ब्लैक चार्ट, उसका छोटा सा पीस को कट कर दिया है। अब मैं अपनी स्ट्रिप लूँगी और स्ट्रिप के ऊपर लगा दूँगी फेविकोल, उसको एक कार्डबोर्ड की हेल्प से स्प्रेड कर दूँगी और उसको अपने चार्ट पेपर के पीस के ऊपर पेस्ट कर दूँगी कुछ इस तरह से। बाकी स्ट्रिप्स को भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। सब देख सकते हैं हमारे जो सभी स्ट्रिप्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम इनके जो कॉर्नर्स हैं उनको कुछ इस तरह से कट कर देंगे ताकि जो है हम इसका बॉर्डर बना सकें। दोनों साइड से तो हम इनको कट कर देंगे, पहले उसको कुछ इस तरह से पहले एक को पेस्ट कर देंगे, फेविकोल लगाएंगे हम इसके ऊपर, स्प्रेड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने स्प्रेड कर दिया और अब मैं इसको अपने बड़े वाले कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दूंगी कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट स्ट्रिप है वो पेस्ट हो चुकी है। अब हम अपनी सेकेंड स्ट्रिप को पेस्ट करेंगे। तो मैंने उसको भी साइड से कट कर दिया था और अब मैं इसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी, इसको स्प्रेड करके और इसको भी पेस्ट कर दूंगी। हमारी जो सेकेंड स्ट्रिप है वो भी लग चुकी है। अब हम अपनी थर्ड स्ट्रिप लगाएंगे, इसको भी कट कर दिया है मैंने फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसको भी कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी लगाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको ग्लू लगा के इसको स्मज कर दिया है जिस तरह से लगेगा फ्रेंड्स ये। तो मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं। अब मैं अपनी जो है लास्ट साइड को पेस्ट कर दूंगी कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्ट्रिप है वो पेस्ट हो चुकी है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं लूंगी अपनी पिंक कलर की फ्लोसिन शीट, उसके ऊपर मैं 6x6 की मार्किंग कर दूंगी, 6x6 सेंटीमीटर की।
आप देख सकते हैं मैंने मार्क जो है लगा दिया है। मैं लाइंस ड्रॉ करूँगी, तो मैंने लाइंस भी ड्रॉ कर दी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है स्क्वायर कट कर दिए हैं बड़े सारे 6x6 के, और अब हम उनको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, फोल्ड करने के बाद हम इसको साइड पर रख देंगे और अपने सभी स्क्वायर्स को फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है सभी स्क्वायर्स को फोल्ड कर दिया है। अब मैं सीजर की हेल्प से इसको कुछ इस तरह से फ्लावर की शेप में कट कर दूंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फ्लावर्स हैं वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं। अब मैं इनको कट करके रख दूंगी और इसको लास्ट में जो है इसको खोल दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं अपने फ्लावर्स को ओपन कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो सभी फ्लावर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, कुछ इस तरह से दिखेंगे हमारे सभी फ्लावर्स। तो अब मैं लूँगी एक ब्लैक कलर का मोटा सा मार्कर, उसके साथ जो है सर्कल ड्रॉ कर दूंगी अपने फ्लावर्स के बीच में, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं लूँगी एक पतला सा मार्कर, उसके साथ मैं कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दूंगी अपने सर्कल की साइड में। अब मैं एक पेंट ब्रश की हेल्प से इसकी एक एजिस को जो है फोल्ड कर दूंगी कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं लूँगी एक ब्लैक चार्ट पेपर का छोटा सा पीस, उसके ऊपर ड्रॉ करूँगी मैं अपना फ्लावर वास, उसको कुछ इस तरह से कट कर दूँगी और अपनी जो बड़ा वाला कार्डबोर्ड है उसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी ग्लू की हेल्प से। या मैं लूँगी एक पेंसिल और उसके साथ अपनी ब्रांचेस को ड्रॉ कर दूँगी कुछ इस तरह से, उसके ऊपर ब्लैक मार्कर, ब्लैक स्केच कलर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसके साथ इसको डार्क कर दूँगी कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैंने जो है वो बना दिया था। अब मैं अपने फ्लावर्स को कुछ इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद मैं एक छोटा पतला सा मार्कर लूंगी और उसके साथ इसके ऊपर लीव्स ड्रॉ कर दूंगी। आप फ्रेंड्स कहीं पे भी लीव्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक सुंदर सा वॉल डेकोर जो है बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।